दक्षिण कांवड़िया संघ से बदल मावंद वासिनी धाम से गंगा जल लेकर पहुंचे जौनपुर मड़ियाओं शिवाजी नगर में कांवड़ियों के लिए शिविर लगाकर विशेष सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आपको बताते चले कि श्रावण मास के पवित्र महीने में शनिवार को प्राचीन कांवड़िया संघ सेवा दल अध्यक्ष श्याम बाबू सेठ के नेतृत्व में मड़ियाओं विधानसभा 370 के लगभग हजारों कांवड़ियों का जत्था माँ विंध्यवासिनी धाम का दर्शन कर गंगा जल लेकर पैदल पहुंचे मड़ियाओं नगर में पहुंच रहे हैं। वहीं प्राचीन कांवड़िया संघ सेवा दल द्वारा कांवड़ियों को भंडारा का प्रसाद दिया जा रहा है तथा सेवा दल द्वारा डॉक्टर आलोक सिंह द्वारा कांवड़ियों को मरहम पट्टी व दवा दी जा रही है। निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह मखड़ू व समाजसेवी विनय सिंह द्वारा कांवड़िया संघ को चाय नाश्ता बिस्किट इत्यादि दिया जा रहा तथा कांवड़ियों को विश्राम के लिए सुविधा मुहैया करवाई गई है। पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी द्वारा कांवड़ियों के लिए भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया तथा कांवड़िया विश्राम के लिए टेंट भी लगवाया गया। पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी कांवड़ियों के लिए मरहम पट्टी तथा दवा की व्यवस्था भी की गई। सेवा दल द्वारा मड़ियाओं में जगह जगह सुविधा प्रदान की जा रही है। सोमवार को सुबह नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचकर कांवड़िया और संघ द्वारा गंगाजल अर्पित किया जाएगा तथा सुबह 8 बजे वहीं पर सभी डीजे कंपटीशन रखा है जिसमें जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। कमेटी की तरफ से कमेटी के लोग इस प्रकार का नाम राजेश ब्रेसेस अग्रहरी विवेक जायसवाल संतोष निगम माता प्रसाद ब्रजेश दुबे सुरेश मौर्य बच्चा सोनू राजकुमार मौर्य संजय राय अरुण पटेल व कमलजीत सिंह आशीष पल्ली कमलेश चौरसिया जौनपुर मड़ियाओं से संवाददाता शादाब अंसारी के प्राचीन कांवरिया का संघ यहाँ पर रहा है, इसके बारे में बताइए और कल जल अभिषेक होगा, इसके बारे में क्या बताइए। मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा आपको। मैं श्याम बाबू सिंह प्राचीन कांवरिया का मंदिर आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को सादर स्वागत। प्राचीन कांवरिया संघ परिवार के द्वारा आयोजित महाजनात्र की यात्रा है, आज का 7 तारीख से शुरू हुआ है। 7 तारीख को पूरा विदाई का दान करता, 8 तारीख को महाजनात्र से प्रस्थान हुआ, 9 तारीख को आज यहाँ कार्यक्रम है। उसके बाद 10 तारीख को सुबह विवेकानंद मंदिर का भी प्रदान पर डीजे कम्पटीशन का भी कार्यक्रम। अभी ये मेला कल तक है, मेला कल तक है। मड़ियाओं के प्राचीन वासियों को जो यहाँ पर गए थे उन पर उनको क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा, वो जहाँ भी है रास्ते में जैसे भी है एक दूसरे का ख्याल करते हुए सभी कांवरियों को और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान देते हुए साथ में यात्रा करें और सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाइडलाइन क्या है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कांवरियों को विशेष व्यवस्था हर प्रकार की सुविधा उन्होंने दिया है, इसके लिए प्राचीन कांवरिया संगठन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सालों से चली आ रही है ये संस्था? लगभग 36 साल के लगते हैं और 24 साल लगभग हमको अध्यक्षी करते हैं। इसके पहले 2 साल हमारा 3 साल हमारे अध्यक्ष जी थे, इसके पहले राजेश चौरसिया जी थे, फिर अशोक सावंत जी थे, मरगम थे। कितना ये भव्य कार्यक्रम होता है भक्त शिव भक्तों को लेकर? शिव भक्तों की सेवा ही हमारा मुख्य ध्येय है। अपनी सोच ये है हमारे शिव भक्त जब भी जल यात्रा करें या प्रभु की सेवा में कहीं भी वो उपस्थित हो उनके पैरों में कांटा भी ना करने पाए, मिट्टी की बात बड़ी सी ये सुविधा है और उनके हम कितने अच्छे से अच्छी खातिर बात कर सकते हैं, यही हमारा परम दिल है। तो प्राचीन कांवरिया संघ वाले को पदाधिकारी को यहाँ पे जो व्यवस्था की बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और अपनी तरफ से क्या मड़ियाओं की जनता को संदेश देंगे? तो आशीर्वाद बाबा से देखिए भोलेनाथ की बाबा बड़ी भोलेनाथ की प्राचीन कांवरिया यहाँ पर हमारे छोटे भैया जन्मदिन से
वही है।